हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 25 अगस्त 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। देखो, आज जो न्यूज़ आपको बताया कि संडे को द हिंदू पीआईबी से कुछ खास न्यूज़ आती नहीं है, तो जो आज की न्यूज़ है उनको हम कल गौर करेंगे कल की न्यूज़ पेपर में। तो आज हम बेसिकली जो कल की न्यूज़ है उनको हम देख रहे हैं, मतलब कि 24 अगस्त की न्यूज़ है वो यहाँ पे है। देखो, सबसे पहली न्यूज़ जो आई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को लेकर। क्या है ये इंडेक्स वो हम देखते हैं, और किस पैरामीटर के आधार पर जारी किया जाता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर है वो करेंगे। देखो, मैं आपको बता दूँ, हेनले एंड पार्टनर्स एक इंस्टीट्यूट है, एक एडवाइजरी फर्म है जो कि लंदन बेस्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हेनले एंड पार्टनर्स जो कि एक लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस एडवाइजरी फर्म है, मतलब एक संस्था है लंदन बेस्ड, और ये इंडेक्स जारी करती है। इंडिया का जो स्कोर है इस बार वो रहा है 86, यानी इंडिया की रैंक भी इसमें 86 है, वो रही है। अब किस आधार पे जारी किया जाता है वो हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं। देखो, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा कि इंडिया की काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्री आप बोल सकते हो, और भी फ्रेंड्स कंट्री, जहाँ पे इंडिया के लोग हैं वो बिना वीजा के जा सकते हैं। मतलब वहाँ पे या तो वीजा और अराइवल की सुविधा अवेलेबल होती है, या फिर भारतीय लोगों के लिए वीजा अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसी कितनी कंट्री है जहाँ पे इंडिया के लोग फ्रीली मतलब जा सकते, फ्रीली का मतलब वहाँ उनको पहले से वीज़ा नहीं लेना पड़ता। जैसे कि इंडिया को पाकिस्तान जाना होता है इंडिया के लोगों को, तो उन्हें पहले वीज़ा लेना पड़ता है। ऐसी कंट्री नहीं, वो कंट्री जहाँ पे आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके आधार पे कितनी कंट्रीज में जा सकते हैं इसके आधार पे ये इंडेक्स जारी किया जाता है। जैसे अभी इंडिया की रैंक 86 है, इसका क्या मतलब है कि इंडिया के लोग हैं वो 86 ऐसी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहाँ पे बिना वीजा के जा सकते हैं, या फिर हम बोले कि वहाँ पे जाके उनको वीज़ा मिल जाता है, मतलब उनको पहले वीजा वगैरह के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता है। तो एक तरीके से क्या शो करता है यह इंडेक्स ये शो करता है कि भाई आपकी कंट्री की पावर कैसी है, रिपूटेशन कैसी है, मोबिलिटी कैसी है, लोगों का विश्वास कैसा है, बाहर की कंट्रीज कितना ट्रस्ट करती हैं इस आधार पर। लास्ट ईयर जो रैंकिंग थी हमारी वो थी 81 सॉरी, और इस बार हमारी होगी 86। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बेसिकली अगर नंबर वन और नंबर टू की हम बात करें, तो यहाँ पे नंबर वन पे आई है जापान और सिंगापुर। यानी कि जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट जिन भी लोगों के पास है वो 189 कंट्रीज में बिना वीजा के जा सकते हैं, मतलब उनको वहाँ जाके वीजा मिल जाता है, उनको पहले वीजा लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस पैरामीटर के आधार पर जारी किया जाता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई ये जो डाटा है ये कहाँ से लेके आते हैं, ये तो है नहीं कि हर कंट्री में जाके सर्वे करते हैं। देखो, ये जो डाटा है ना, ये जो एयर ट्रैफिक एसोसिएशन है इसकी हेल्प से कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मैक्सिमम लोग जाते हैं तो फ्लाइट के थ्रू ही जानते हैं। मैक्सिमम जो आप बोल सकते हो कि मोबिलिटी है वो फ्लाइट्स के थ्रू ही होती है, तो इसीलिए वहाँ से ये डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसके आधार पर यह इंडेक्स जारी किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लेकर। देखो, काफ़ी बार हमारे देश में प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि मान लो कि कोई दिल्ली का कोई आदमी है, वो रह रहा है तमिलनाडु में। अब उसके पास राशन कार्ड है दिल्ली का, अब तमिलनाडु में अगर वो जॉब कर रहा है तो उसको जो पीडीएस की जो फैसिलिटी है वो उनका फ़ायदा नहीं उठा सकता तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि उसका राशन कार्ड है वो दिल्ली पे रजिस्टर है, इसलिए वहाँ पे तमिलनाडु में उसको सर्विस नहीं दी जाती। तो इसी समस्या से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रावधान किया था, एक स्कीम लेके आने की बात की, वो थी वन नेशन वन राशन कार्ड। यानी कि राशन कार्ड है वो पूरे देश का एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपको हर स्टेट के लिए अलग अलग। इसका फायदा क्या होगा, जो माइग्रेंट वर्कर है, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारे वर्कर हैं वो यूपी बिहार से अदर स्टेट में जाते हैं, और जब वो अदर स्टेट में जाते हैं तो उनको पीडीएस की जो फैसिलिटी है वो नहीं मिल पाती। इसीलिए ये स्कीम लाई गई है कि भाई जो वर्कर्स हैं वो दूसरी स्टेट में जाके बस जाते हैं या वहाँ रहने लग जाते हैं, तो वहाँ भी उनको पीडीएस की फैसिलिटी मिल सके, जिससे वो भूखमरी से निजात दिला सकें उनको, और इसी के साथ उनको जो डाइट है वो मिल सके, और जो भी माल न्यूट्रिशन की पोषण की समस्या है हमारे देश में इसको दूर किया जा सके, इसीलिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ ये आई है कि तेलंगाना और इसी के साथ ही आंध्र प्रदेश, इन दोनों ने ये स्कीम इंप्लीमेंट कर दी है, और एक साइड ये स्कीम इंप्लीमेंट की है गुजरात और महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र के लोग गुजरात में जाते हैं तो वो वहाँ से राशन कार्ड से सामान ले सकते हैं, और ऐसे ही तेलंगाना के लोग आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के लोग तेलंगाना में। खैर, अभी धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी, बट अभी स्टेट है वो आपस में मर्ज करके स्कीम को इंप्लीमेंट है वो कर रहे हैं। फायदा क्या होगा,
जैसा मैंने आपको बताया, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको पीडीएस का खाना नहीं मिल पाता है, राशन नहीं मिल पाते हैं, उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं राशन की, वो अवेलेबल हो जाएंगी। और गवर्नमेंट का यही मोटो है कि भाई उनको किसी भी स्टेट में रहे, उनको सारी फैसिलिटी मुहैया करवाई जाए। तो मैंने आपको बता, मिनिस्ट्री कौन सी है ये आपको ध्यान रखना, मिनिस्ट्री फॉर कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो मिनिस्ट्री है वो इसके लिए काम करती है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। काम क्या है, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी राशन कार्ड का आप यूज है वो कर सको। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। देखो ये जो इंडेक्स है ना, इसका एक सेशन तो पहले जारी कर दिया गया था, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कंपोजिट जो वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है वो नीति आयोग जारी करती है। तो अभी इसका 2.0 वर्जन, यानी कि सेकेंड वर्जन जारी किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। कौन से पैरामीटर के आधार पे कौन सी मिनिस्ट्री है वो हम देखते हैं। देखो जो मेन जो मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री है, वो तो है जल शक्ति मिनिस्ट्री। और बाकी अगर हम वो बात करें जो सपोर्ट या बोले कि सब सहायता देने वाली मिनिस्ट्री हैं, तो वो हो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एक, तो इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और इसी के साथ ही बाकी जो सभी स्टेट और जो यूटीज हैं वो सब मिलके इसको लेके काम है वो करने वाली हैं। जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है इसने एक अभियान भी चलाया था जिसका नाम है जल शक्ति अभियान। अभी जल शक्ति अभियान का मोटो ये है कि हमारे देश में वाटर कंजर्वेशन में फोकस किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है गर्मियों में, मतलब वहाँ पे डार्क प्रॉब्लम आ जाती है, यानी पानी वहाँ पे लोगों को पीने का भी मुहैया नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है कि भाई एक तो जो ग्राउंड वाटर है इसको रिचार्ज किया जाए, यानी कि जब भी बारिश होती है तो पानी को यूटिलाइज किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस किया जाए, और भी तरह के पैरामीटर लाए गए हैं। तो उनके आधार पर यह इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। जैसे आपको कुछ पैरामीटर दिखा दूँ कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं जिनके आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। जैसे एक तो यहाँ पे दिया गया है सोर्स रेगुलेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, यानी कि कौन कौन से पानी के सोर्सेज हैं उनको किस तरीके से रिस्टोर किया जा रहा है इनके आधार पे। इसी के साथ ही सोर्स ऑफ एग्रीमेंटेशन, यानी कि ग्राउंड वाटर है उसका सोर्स कैसे है उसके आधार पे। इसी के साथ ही इरिगेशन की फैसिलिटी कैसी है, कौन कौन से मेथड इरिगेशन के यूज किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे वाटर से डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। और जो हम बात करें पर्टिकुलरली जो यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी है उस पर रूरल ड्रिंकिंग वाटर कैसा मुहैया कराया जा रहा है स्टेट के द्वारा। तो ये सारे पैरामीटर हैं, इनका वेटेज है देखो यहाँ पे अलग अलग, किसी का 5 है किसी का 15 है। तो ये सारा वेटेज तो अगर आपको नहीं रखना है, बस ये देख लेना कि कम किसका, एक बार मे बी यूपीएससी ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ सकती है तो इतना पूछ सकती है, बाकी देखो इतना नहीं पूछ रहेगी वो, तो हमें ये थोड़ा फैक्ट पता होना चाहिए। तो ये जो पैरामीटर है ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है पानी वाटर मैनेजमेंट को लेकर, स्टेट किस तरह काम कर रहे हैं, इनके आधार पे ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और ये जो इंडेक्स है इसमें गुजरात को फर्स्ट रैंक दी गई है। गुजरात का इसमें स्कोर है वो रहा है लगभग 75 के आसपास। तो गुजरात है नहीं, गुजरात ने हम बोल सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन में बहुत फोकस किया है, सभी लोगों को पीने का पानी भी मुहैया करवाया है, सभी लोगों का मतलब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे। इसके साथ ही अर्बन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पे फोकस किया है, पॉलिसी भी गवर्नमेंट की अच्छी रही है वहाँ पे, और जो वहाँ पे इरीगेशन की सुविधा है वो भी अच्छी रही है। तो ऐसे जो पैरामीटर हैं इनके आधार पर गुजरात को नंबर 1 रैंकिंग यहाँ पे दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था नेशनल हेल्थ मिशन, आपको पता है, जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा है और क्यों अभी भी चल रहा है और आगे चलता रहेगा। तो नेशनल हेल्थ मिशन है ना, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चला दिया हेल्थ को लेके कि भाई हमें ये स्टेप उठाने हैं, सभी स्टेट्स को फंडिंग दी जाती है वगैरह वगैरह। अब स्टेट की भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है। तो जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये बेसिकली राजस्थान में 2011 अक्टूबर से चलाई गई थी। और अभी राजस्थान ने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल किया, किस लिए, राजस्थान ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में बहुत सारे लोगों को काफ़ी अच्छा प्रोग्राम या काफ़ी हेल्प है वो प्रोवाइड करवाई है। तो एक बार हम कंपोनेंट देखते हैं कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के कंपोनेंट क्या हैं। देखो इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक तो है फ्री मेडिसिन, यानी कि लोगों को फ्री में दवाई देना, और दूसरा है फ्री टेस्ट, जो फ्री में जांच है चेकअप वगैरह है वो। तो राजस्थान गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे काफ़ी फोकस कर रही है। इवन राजस्थान की गवर्नमेंट एक भामाशाह स्कीम भी लेके आई थी वगैरह, काफ़ी सारे प्रोग्राम आगे चल भी रहे हैं। तो लोगों को फ्री में मेडिसिन भी दी जाती है, उनकी फ्री में जांच भी की जाती है सरकारी हॉस्पिटल्स में,
तो काफी हेल्थ पे फोकस है वो किया जा रहा है। और इसी एवज में राजस्थान की जो स्कीम थी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इसको ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक दी गई कि भाई आप बहुत अच्छा काम है वो कर रहे हो। और जो ये स्कीम है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये बेसिकली एक पब्लिक लिमिटेड एक कंपनी बनाई गई है स्टेट के द्वारा, जिसका नाम है राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट है, इनकॉर्पोरेट है वो किया जा रहा है। तो ये कुछ आपको फिर ध्यान में रखने यूपीएससी पूछ सकती है, और या फिर हम आंसर राइटिंग में हेल्थ सेक्टर में इसका यूज है वो वहाँ पे कर सकते हैं कि स्टेट की क्या क्या जिम्मेदारी है, किस तरीके से स्टेट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है और क्या क्या हमें स्टेप है वो उठाने। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है स्काई बोट 580 के बारे में, सॉरी हाँ 850 के बारे में। इसको दूसरा नाम है वो है फेडोर। देखो ये फेडोर है ना, ये रशिया का ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब क्या है, ह्यूमन की साइज का एक नॉर्मल, देखो इंसान की हाइट है वो लगभग 5.5-6 फीट के आसपास होती है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि 5 से 6 फीट के बीच हाइट होती है। तो इतनी ही हाइट का इंसान जैसा दिखने वाला एक रोबोट बनाया है रशिया ने, जिसको बोला जा रहा है यहाँ पे ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब ये है कि इंसान की साइज का जो रोबोट है उसको। तो रशिया के जो ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसका नाम है यहाँ पे फेडोर, या दूसरा नाम है स्काई बोट 5850। पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरा फैक्ट ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि रशिया ने पहला रोबोट बनाया, इससे पहले भी इस टाइप का रोबोट अमेरिका ने 2011 में बनाया था, जिसका नाम था यहाँ पे रोबोनोट 2, या R2 के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आपके दिमाग में ख्याल आ गया कि भाई इसका यूज क्या है, क्यों ये इतना पॉपुलर है। देखो स्पेस में जब भी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ना, तो उनको जो IS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, या फिर और भी जो सैटेलाइट बहुत सारे काम करने होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको पता है कि जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है, और जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं अगर वो बाहर के इतने खतरनाक एटमोसफेयर में काम करें तो उनके लिए बहुत खतरा होता है, मतलब काफ़ी रिस्की काम उनको करने होते हैं। जैसे कि उनका स्पेस यान में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या फिर उनको स्पेस यान से बाहर निकल के कुछ काम करना है, तो ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड काम है वो खुद करेंगे तो काफ़ी रिस्की हो जाता है। इसीलिए रोबोट बनाया गया है ताकि स्पेस में कोई भी ऐसे इश्यूज आ सके, उनसे रोबोट वो जाके निपट सके, क्योंकि रोबोट है देखो तो मशीन है, तो मशीन तो आराम से चीज़ों को हैंडल है वो कर सकती है, इसीलिए ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है। तो ये जो रशिया ने ये रोबोट बनाया है फेडोर या स्काई बोट 850, ये बेसिकली इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पे जाके जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह का काम करना है, कोई भी नट बोल्ट है, कुछ भी इश्यूज हैं उनसे निपटने का काम करेगा। मतलब स्पेस में जो काफ़ी खतरनाक मिशन है उनको अंजाम देने के लिए इसका निर्माण किया गया है। इससे पहले 2011 में अमेरिका ने भी ऑलरेडी एक अपना ह्यूमनॉइड रोबोट भेजा हुआ है। नेक्स्ट जो लास्ट आर्टिकल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट न्यूज़ में था तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, वो है प्रोजेक्ट श्योर। देखो प्रोजेक्ट श्योर है ना, ये बेसिकली हमारे देश में सस्टेनेबल फैशन प्रोजेक्ट, कि भाई फैशन ऐसी हो जिससे इन्वायरमेंट को भी लॉस नहीं हो और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह हम आगे जो गोल है इनको भी अचीव कर सकें। कहने का मतलब है इन्वायरमेंट फ्रेंडली फैशन को प्रमोट किया जा सके, और उस फैशन की वजह से कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हो किसी भी सेक्टर को कि काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब एक तरीके से पीड़ित हो जाएं, तो इससे निपटने के लिए प्रोजेक्ट चला गया है। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का प्रोजेक्ट है, मोटो यही है कि सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट किया जाए ताकि क्लीन इन्वायरमेंट के में भी उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन रह सके। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जिसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़, कल की न्यूज़ हमने यहाँ पे पूरी कवर कर ली है, तो मिलते हैं अब कल की डिस्कशन में। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।